हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 83। तो शुरू करते हैं टेक न्यूज़। उससे पहले मैं बता दूं, पोल कल मैंने एक पोल रखा था कि भाई टेक न्यूज़ गिव अवे विनर हम कैसे चूज़ करें। तो नियर अबाउट 1600 वोट्स आए हैं, जिसमें 1200 लोगों ने कहा है कि कमेंट पिकर से करो। तो मैं ये गिव अवे शुरू करूँगा नेक्स्ट वीक से या संडे से। तो भाई इसमें आपको एक कमेंट करना है मेरी टेक न्यूज़ पे और नेक्स्ट डे आपको विनर पता चल जाएगा। एक लकी विनर होगा जिसको मैं अमेज़ॉन का वाउचर दूंगा। तो भाई जो भी लकी होगा उसको मिल जाएगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, पर डे होगा तो उसके हिसाब से आपको वाउचर मिलेगा। और आपको मुझे इंस्टाग्राम पर उसका रिप्लाई करके बताना होगा कि आप विनर हैं। तो शुरू करते हैं आज की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो N22 लिस्ट आई है 2020 जनवरी की। कौन सा फ़ोन टॉप पे है? तो वीवो IQ नियो 855 प्लस ने बाजी मारी है, जिसके लिए वो 504,000 स्कोर है, जो काफ़ी बढ़िया है। सेकेंड में वीवो IQ प्रो 5G, जिसका 502,000 आया है। तीसरा है वीवो नेक्स 3। तो पहले तीनों पोजिशन पर वीवो के फ़ोन्स हैं। उसके बाद आता है हमारा OnePlus 7T Pro, फिर OnePlus 7T, फिर ROG 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro 5G एंड Oppo Reno Ace एंड Huawei Mate 30 Pro 5G। तो भाई शाओमी का किसी कहीं पर भी नामो निशान नहीं आया। रियली स्ट्रेंज, मुझे था शाओमी कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था। चलो एनी हाउ, मे बी फ्यूचर में शाओमी भी आ जाए इस लिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रियलमी, जी हाँ, रियलमी का टीवी आएगा MWC में। और ये इनके जो CMO है इंडिया के, उन्होंने डिक्लेयर किया है और ये इंडिया में भी जल्दी आएगा। साथ में किसी ने उनसे पूछा था कि लैपटॉप, रियलमी का लैपटॉप भी आएगा, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया अगर टीवी का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम लैपटॉप भी लाएंगे। तो भाई रियलमी शाओमी के पीछे पड़ गया है हाथ धो के। फ़ोन्स में तो पड़ा ही था, टीवी में भी आ रहा है और शायद फ्यूचर में आपको लैपटॉप भी मिले। लैपटॉप के याद आया कि शाओमी का भी लैपटॉप जल्दी इंडिया में आने वाला है, रेडमी बुक। वैसे मैंने रिसेंटली उसकी अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सोनी का एक ड्रोन आ रहा है जो होगा फोल्डेबल, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और वैसे इंडिया में ड्रोन्स का थोड़ा लाइसेंस का इशू होता है, तो करके वैसे मेरा एक ड्रोन लेने का मन था, जो भी शाओमी का ड्रोन था, होपफुली मैं ले पाऊँ और इंडिया में यूज़ कर पाऊँ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हुआवे मेट 40 की कुछ पिक्चर सामने आई है। कह रहे हैं इस फ़ोन में ना कोई बटन होगा ना कैमरा, जैसे शायद वीवो नेक्स लास्ट ईयर आया था उसकी तरह हो सकता है, सॉरी वीवो एपेक्स की तरह हो सकता है। और इसकी जो बैक होगी वो ट्रांसपेरेंट बैक होगी, आप क्लियरली देख सकेंगे। फ़ोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेट सीरीज़ मोस्टली सितंबर में लॉन्च करता है हुआवे, तो मेरे को बहुत पसंद है। मैंने हुआवे मेट के 20 और 30 सीरीज़ के दोनों फ़ोन यूज़ किए थे, तो भाई इसका भी आपको रिव्यू दूंगा जब ये आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की तो शाओमी के लू वेबिंग ने आज पोस्ट किया कि भाई 100 वॉट का जो चार्जर है उसकी मास प्रोडक्शन हो रही है, तो ये मतलब जल्दी आने वाला है। साथ में कह रहे हैं कि भाई इसमें हो सकता है 100 वॉट का चार्जर जो 4000 mAh की बैटरी होगी 17 मिनट में चार्ज कर देगा। लास्ट ईयर मई के पास शाओमी ने एक वीडियो लॉन्च की थी कि भाई ये चार्जर हम लाएंगे जो 100 वॉट का होगा। तो भाई मी 10 सीरीज़ में तो आ रहा है 66 वॉट का चार्जर, रेडमी K30 में प्रो में भी ज़्यादा फास्ट चार्जर नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो मिक्स 4 आएगा उसमें हो सकता है। तो देखते हैं कब तक शाओमी लाता है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 100 वॉट का चार्जर रियली वेरी इंप्रेसिव। मैंने ओप्पो रेनो एस का चार्जिंग टेस्ट किया था जिसने 27 मिनट में चार्ज कर दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी अब देख सकते हैं, बहुत बढ़िया था, बहुत तेज़ था। तो भाई देखते हैं 100 वॉट का चार्जर कब तक आता है, जब भी आएगा उसका रिव्यू तो मैं आपको दे ही दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो रेडमी की है, रेडमी K30 Pro। कल के मैंने टेक न्यूज़ में बताया था इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा नहीं होगा और ना ही 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा। आज कह रहे हैं इसका, वैसे XTA ने भी ये कन्फर्म कर दी न्यूज़, 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। साथ में उन्होंने कहा है कि मुझे और लीक नहीं चली कि इसमें चार्जर होगा 33 वॉट का। जी हाँ, रेडमी K30 Pro में चार्जर मिलेगा आपको 33 वॉट का। देखते हैं ये लीक इतनी सच होती है या नहीं होती, मगर मेरे हिसाब से ये सच हो सकती है। वैसे मेरी लीक कुछ कुछ सच हो ही जाती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो है शाओमी की, शाओमी का पेटेंट सामने आया है जिसमें फ्लिप कैमरा कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि भाई 5 कैमरे होंगे फ्लिप की तरह, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये पेटेंट लास्ट ईयर फाइल हुआ था और जल्द ही ये शाओमी का फ़ोन आ सकता है। तो अभी ये नहीं पता कौन सी सीरीज में आएगा और किस में आएगा, देखते हैं। बाकी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, मैंने अभी फ्लिप फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने कर नहीं पाया था, ज़ूस का आया था, तो देखते हैं अगर ये आएगा तो ये तो हम पक्का करेंगे। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल न्यू वीडियो में,
जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू टुमारो।